नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं स्वागत करता हूं आपका MNM के नए वीडियो में। आज से हम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उसमें से ये है हमारा पहला वीडियो, दैट इज ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो तो बढ़ेगा और आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हो जाओगे। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो तो बढ़ेगा, आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, एंड यू विल बी अ गुड स्पीकर टू। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना होगा। इसमें से दिए गए हर टिप को देख के सुन के फॉलो भी करना होगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, एंड दैट्स हाउ यू कैन रन अ गुड कन्वर्सेशन। दोस्तों, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए या फिर किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए यू नीड अ थिंग, यू रिक्वायर समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? दैट इज द लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशंस, व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। If you don't know the language of the other person, आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। यानी उसे जो languages पता है वो आपको नहीं पता, या फिर आपको जो पता है वो उन्हें नहीं पता, शायद आप उनके साथ अच्छे deep level में conversation नहीं कर पाओगे। आप ऊपर ऊपर से common language में बात कर लोगे, but you can't reach deep in that conversation। वो conversation deep नहीं हो सकता और शायद आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट नहीं बन पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ बेसिक लैंग्वेजेस वो आपको आने चाहिए। ओके, अब मैं किसी भी लैंग्वेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो वो आपको आना चाहिए। यानी जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपकी रीजन का वो आपको आना चाहिए। आपके कंट्री का जो कॉमन लैंग्वेजेस है, ओके, कंट्री के कॉमन लैंग्वेजेस वो आपको आने चाहिए। उससे होगा क्या, यू कैन टॉक टू मेनी पीपल। आप जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे आप उतने अच्छे कन्वर्सेशंस रन कर पाओगे। तो आपको इस बात को याद रखनी है, नो मोर लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंड मोर लैंग्वेजेस, सीखो अच्छे लैंग्वेजेस। जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन्हें सीखो, जो भी कॉमन लैंग्वेजेस हैं उन्हें सीखो, ताकि आप एक अच्छी कन्वर्सेशन रन कर सको। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओपन बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, ओपन बॉडी लैंग्वेज मैंने बहुत लोगों को बात करते हुए देखा है जो कुछ इस तरह से बात करते हैं, हाथ ऐसे रख के, हाथ फोल्ड करके, या फिर ऐसे ही पॉकेट में हाथ डाल के। आप मेरे पॉकेट को भी नहीं देख पाओगे, बट स्टिल ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के बात करते हैं, एंड विच शोज यू आर ऑकवर्ड या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। और अगर आपने लोगों को ये पोर्ट्रे किया कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई द अदर पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू? तो आपको इस बात को याद रखना है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान वो आप में इंटरेस्टेड हो, आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हो, उसे आपके साथ बात करना अच्छा लगे, तो आपको इस बात को समझना है कि यू नीड टू हैव अ ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपको हैंड गेस्चर्स समझ में आने चाहिए, कुछ बुरे हैंड गेस्चर्स नहीं, अच्छे हैंड गेस्चर्स। ओके, आपको बात करते हुए अपने हाथों को मूव करना है। ओके, अगर आपको ये दिखाना है कि ऊपर, तो बस ऊपर देखना नहीं है, ऊपर पॉइंट भी करना है। हर बार अगर आपको ऊपर नीचे कुछ भी दिखाना है, आपको हाथों के द्वारा भी दिखाना है और साथ में बातों के द्वारा भी दिखाना है। ओके, बस बात नहीं करनी उस चीज पे, उसे पॉइंट आउट करना, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना। आपके हाथ पॉकेट में रहने के लिए नहीं है, यूज इट व्हाइल हैविंग अ कन्वर्सेशन, यूज इट व्हाइल कम्युनिकेटिंग, यूज इट व्हाइल गिविंग अ स्पीच टू मेनी पीपल। Use your hands, because your hands shows that you have an open body language. आपके हाथ जिस तरह से अभी हैं, वैसे आपकी body language है। See कि अगर आप लोगों से बात करते हो, observe करो अपने आप को। आप लोगों से बात करते हो, आपकी body language कैसी होती है? आपके हाथ किस direction में होते हैं? Are they in the pockets? Are they closed? Or you are just wide open? और हर किसी को आप एक opportunity देते हो कि आओ मुझसे बात करो। अगर आप ये नहीं देते और एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज अपनाते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन,
बट यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ पीपल यू कैन टॉक टू, क्योंकि बहुत कम लोग आपको अप्रोच करेंगे और बहुत कम लोगों के साथ आप बात कर पाओगे. सो वॉन्ट टू टॉक टू मोर पीपल, वॉन्ट टू हैव अ क्वालिटी कन्वर्सेशन, कीप अ ओपन बॉडी लैंग्वेज. दैट्स द सेकेंड रूल. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज टॉकिंग अबाउट वॉट यू लव. स्पीक अबाउट वॉट यू लव, स्पीक अबाउट योर पैशन. आपका पैशन क्या है आप उस पर बात करो. ओके, इफ यू लव स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करो. इफ यू लव फूड, फूड के ऊपर बात करो. इफ यू लव डांस, डांस के ऊपर बात करो. क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी ऐसी चीज पे बात करोगे वॉट यू लव, उससे होगा क्या, उससे आप उस चीज पे बहुत दिल से बात करोगे. और दिल से जब भी आप बात करोगे सामने वाले इंसान को वो चीज जरूर पसंद आएगी. ओके, जब कभी भी आप दिल से बात करोगे, पूरे ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करोगे और उस चीज पे बात करोगे जो आपको पसंद है, आप उस पे ज्यादा बात कर पाओगे. मोर टाइम, ओके, एंड मोर क्वालिटी. आप क्वांटिटी में भी बात करोगे, आप क्वालिटी में भी बात करोगे जब भी आप ऐसे टॉपिक को टच करोगे जो आपको पसंद है. लेकिन इस टिप का एक लिमिटेशन है, दैट इज ये आप तब कर पाओगे अगर आप बहुत लोगों के सामने बात कर रहे हो. बट अगर आप वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहे हो, नेवर टॉक अबाउट व्हाट यू लव, ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट अदर पर्सन लव. अगर आप बार बार बस यही ब्रैग करते रहोगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, शायद सामने वाले इंसान को वो पसंद ना आए. ओके, तो ये एक लिमिटेशन है इस चीज का. आपको जब कभी भी आप बहुत लोगों के सामने बात कर रहे हो, ऑलवेज टॉक अबाउट वट यू लव. एंड वेन यू आर टॉकिंग वन ऑन वन, आप एक डीप कन्वर्सेशन में जा रहे हो, उस वक्त आपको उस चीज पे बात करनी है जो सामने वाले को पसंद है. अब सामने वाले को कैसे पसंद है, ask some questions, कुछ questions पूछो, उसे क्या पसंद है, उस चीज पे आपके क्या opinions है. और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो sensitive टॉपिक्स है उसमें डायरेक्टली उंगली मत करना. यानी पॉलिटिक्स, रिलीजन, ऐसे टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस मत देना. ओके, सामने वाले के ओपिनियंस नेगेटिव ओपिनियंस हैं, ओके आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन अपना ओपिनियन उसे मत बताना. बिकॉज दिस मे हर्ट सम सेंटिमेंट्स. और आप ये नहीं चाहते कि आप अगर वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहे हो उसके बीच में आप झगड़ा करने लगो. यू डोंट वॉन्ट दैट, सो यू विल नॉट डू दैट. समझ रहे हो. मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 4, That is preparation. जी हाँ दोस्तों, preparation. Preparation है क्या? Planning करना. बहुत लोग आपको कहेंगे कि planning करके मत जाओ, be all natural, ऐसे ही सीधा जाओ और बात करना शुरू कर दो. But no. अगर आप बहुत लोगों के सामने एक स्पीच दे रहे हो and you don't have any plan in your mind, आपके mind में कोई भी plan नहीं है कि आप क्या बात करने वाले हो. शायद अगर आप एक एक्सपर्ट कन्वर्सेशनलिस्ट हो, कम्युनिकेटर हो, देन मे बी आप बात कर लो. लेकिन इफ यू आर अ न्यूबी, देन मे बी आप बीच में फिसल जाओ. ओके, और मैं नहीं चाहता कि आप एक अच्छे कन्वर्सेशन को खराब कर दो. ओके, अच्छे स्पीच को खराब कर दो बाय जस्ट नॉट डूइंग वन थिंग जो बहुत इजी है. ओके, जस्ट प्लान, क्रिएट अ रोड मैप कि आपको क्या क्या बात करनी है एंड देन स्पीक. ओके, एक रफ आइडिया आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, एक रफ पिक्चर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि आपको बात क्या करनी है. एंड इफ यू डोंट हैव दैट रफ आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, बट एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, आप किस चीज पे बात करने वाले हो. यू शुड नो दैट. आप ऐसे ही आए और बात करना शुरू कर दिया, सॉरी गाइस, इससे होगा क्या, इससे आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट नहीं बन पाओगे, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगी. एंड आई डोंट वॉन्ट दैट. सो अगली बार अगर आप एक बहुत लोगों के सामने बात करने वाले हो, जस्ट क्रिएट अ पिक्चर, क्रिएट रफ पिक्चर कि आप क्या बात करना चाहते हो. मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रिप्ट लिखो, बट कम से कम एक रफ पिक्चर आपके माइंड में हमेशा रखो. ओके, दैट वॉज फॉर पॉइंट नंबर 4. अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे, यानी टिप नंबर 5 पे, दैट इज बी अ गुड लिसनर. जी हाँ दोस्तों,
बोलना इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन में हो ना, बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना, बीइंग अ गुड लिसनर। ओके, ये आप सोचोगे कि ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा, तो इसके बहुत ज्यादा फायदे अगर आप एक गुड लिसनर हो। ओके, समझो आप एक गुड लिसनर नहीं हो तो क्या होता है, ये हम पहले देखेंगे। आपने किसी के साथ बात की आज, उसने अपना नाम बताया, उसने अपने कुछ अच्छी आदतें बताई या कुछ अच्छी चीजें बताई, अगली बार आप उससे ही बात करने आए और आपने उसे गलत नाम से पुकार लिया। अब गलत नाम से पुकारना ये आपकी गलती थी, लेकिन ये कन्वर्सेशन स्पॉइलर है, आपको इस बात को समझना है। ओके, आपने अच्छे से उसका नाम नहीं सुना, याद नहीं रखा, और यही रीजन है ऑफ योर कन्वर्सेशन स्पॉइलिंग। आपका कन्वर्सेशन स्पॉइल हो सकता है, डैमेज हो सकता है, अगर आपने इस मिस्टेक को दोहराया, दैट इज नॉट रिमेंबरिंग द नेम, नो, नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। क्यों? वो कुछ अच्छे से आपको बता रहा है या बता रही है और आप सुन रहे हो, बट यू आर लिसनिंग, आपके हाथ में फोन है, आप टाइप करते 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 सुन रहे हो, टर्न ऑफ। आपको इस बात को समझना है, बी अ गुड लिसनर बिफोर यू बी अ गुड स्पीकर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, उस वक्त आपको यह भी समझना है कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो, क्योंकि आपने अच्छे से उस चीज को सुना ही नहीं जो सामने वाले ने आपको बताया है। और अगर आपने सुना नहीं है, आप उसे कुछ बता नहीं सकते जो राइट है, तो आपको यह समझना है, बी अ गुड लिसनर। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है और आपको वो तभी समझ में आएंगे जब आप खुद एक अच्छे लिसनर बनोगे। इफ यू फील दैट ये कन्वर्सेशन बहुत बोरिंग हो जा रही है, फिर भी मुझे गुड लिसनर बनना, नो, कह दो कि मुझे कन्वर्सेशन में नहीं रहना। ओके, कुछ सबलिमिनल साइंस दो, जैसे अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले ऐसी थी, ओपन बॉडी लैंग्वेज थी, क्लोज कर लो, कुछ ऐसा करो जो हमने पहले डिस्कस किया, उसके अपोजिट करो। ओके, अपोजिट करो, यानी सामने वाले को आपसे बात करने में तकलीफ होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अरे यार मैं इससे क्यों बात कर रहा हूं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको वो कन्वर्सेशन नहीं चाहिए तब आपको ये करना है। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हो दैट यू हेट द मोस्ट, उस वक्त आपको ये करना है, नॉट एवरी सिंगल टाइम। अगर आपने ये हर कन्वर्सेशन में किया तो शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो कभी अच्छे नहीं होंगे और लोगों के सामने आप एक बैड सेल्फ इमेज क्रिएट कर दोगे और आप ये नहीं चाहते। ओके, सो दैट वॉज द टिप नंबर 5। मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 6, दैट इज रैंडम कन्वर्सेशंस। What is random conversations? अचानक में हुए conversations? या फिर deliberately अचानक कुछ conversation करना? That is random conversation. मतलब क्या हुआ? अचानक में हुए conversations ये pre-planned नहीं होते, but deliberately अगर आप कुछ ऐसा portrait कर रहे हो कि ये अचानक है, but you are planning for it in your mind, that is random conversations जो आपको करने हैं to increase your confidence as well as इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। समझे? देखो, सबसे पहले आप लोगों से बात करने चाहते हो, यू हैव नो आइडिया आप क्या बात करने वाले हो, तो ये एक अचानक में हुआ कन्वर्सेशन है। लेकिन अगर आप किसी के साथ बात करने गए जिससे आपने कभी पहले बात नहीं की, आप उससे बात कर रहे हो, बट यू नो इन योर माइंड आप क्या पूछने वाले हो, ओके, ये है डेलिबरेटली किया हुआ रैंडम कन्वर्सेशन, और आपको ये करना है। ओके, अचानक वाला नहीं, डेलिबरेटली किया हुआ रैंडम कन्वर्सेशन। अब इसका फायदा क्या है? जब कभी भी आप ये रैंडम कन्वर्सेशन करोगे तब होगा क्या, आप नए लोगों के साथ बात करोगे, लेकिन आपको बात क्या करनी है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। शायद अगर आप रास्ते पे हो, यू कैन आस्क फॉर टाइम, स्कूल कॉलेज आप कहीं भी हो, आप टाइम पूछ सकते हो, और टाइम पूछने से ये कन्वर्सेशन तो नहीं होगा लेकिन ये एक शुरुआत हो सकती है, शायद एक बहुत बड़े कन्वर्सेशन की एक शुरुआत होगी बस टाइम पूछने से। ओके, तो टाइम आप पूछ सकते हो, आप शायद किसी को मैप पूछ सकते हो, रास्ता पूछ सकते हो, शायद आसपास होटल का है ये पूछ सकते हो, इससे ये तो नहीं होने वाला कि वो भी आपके साथ होटल में चला जाए या चली जाए, लेकिन
वो आपके साथ बात कर सकती या कर सकता है। और उससे होगा क्या, जब वो आपके साथ बात करना शुरू कर दे, बाय जस्ट वन कन्वर्सेशन स्टार्टर आप उसे कुछ और पूछ सकते हो, फिर और। और इससे क्या होगा, इससे अगर उसने एक अच्छा रिस्पॉन्स किया, दैट इज वो कुछ इंटरेस्टिंगली रिस्पॉन्स कर रही है या कर रहा है, तब आप समझ लो ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद यू, हैविंग कन्वर्सेशन विद यू। लेकिन अगर कुछ उसने कुछ टाइम बता कि चला गया या चली गई, उस वक्त समझना दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड नो मींस नो। ओके, आप जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश मत करना, बिकॉज अ नो मींस नो। हमेशा याद रखना कि रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहता, आप जबरदस्ती एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट होके उससे बात करने मत जाओ, बिकॉज ही और शी मे नॉट लाइक यू। सो आपको इस चीज को नहीं करना है, बस समझना है कि क्या सामने वाला वाकई में मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है, और अगर है देन आई विल गो फॉर इट, और अगर नहीं है आई विल बैक आउट। जस्ट रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस। ओके, सो ये बात आपको समझनी है, दैट इज रैंडम कन्वर्सेशंस, करते जाओ कन्वर्सेशंस, नए नए लोगों के साथ बातें करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बढ़ेगा। आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हो सकते हो इफ यू फॉलो दिस टिप। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, ये टिप नहीं है बल्कि है एक बोनस टिप। ओके, इससे आपका कन्वर्सेशन तो नहीं बढ़ेगा, बट सामने वाले इंसान को शायद बदबू ना आए। इसका मतलब क्या हुआ, हैविंग अ गुड ऑर्डर, गुड हाइजीन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बात करने जा रहे हो, वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, एंड योर ब्रेथ इज स्मेलिंग बैड, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो सामने वाला इंसान है वो नहीं चाहेगा कि आपके साथ बात करें। ओके, तो इस बात को हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ गुड हाइजीन। इससे आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट तो नहीं होंगे, बट आपका जो कन्वर्सेशन स्पैन है वो शायद बढ़ जाए, बिकॉज सामने वाले इंसान को ये समझ में आ रहा है दैट यू हैव अ गुड हाइजीन, और आपसे जो खुशबू आ रही है शायद उसके कारण वो आपसे बात करता ही रहे। तो आपको एक चीज कभी नहीं करनी, दैट इज नेवर स्मेल बैड, एंड फॉर दैट ड्रिंक मोर वाटर एंड ब्रश रेगुलर। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। That's it. ये रहे वो 7 पॉइंट जो आज हमने देखे, जिनके कारण आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो यहां से यहां चला जाएगा। हमेशा याद रखना इन 7 पॉइंट्स को, क्योंकि अगर आपने इन सभी टिप्स को, सभी पॉइंट्स को रेगुलरली फॉलो किया, तब आप बनोगे अ गुड स्पीकर, अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चले जाएंगे इस वीडियो को फाड़ के।